सब कुछ कितना सुंदर है, समुद्र, लहरों की आवाज, नेचर, मैं जन्नत में हूँ, भले ही ये सिर्फ महसूस होने वाला हो। हे, तुम्हें पता है हम सच में एक साथ छुट्टी पर जाने का प्लान बना रहे थे। एक स्क्वीमिश कपल से मिलो, इस तरह के कपल हमेशा ही होते हैं। वो गंदगी और जम से घबरा जाते हैं, इसलिए वो हमेशा पूरी तरह से तैयार होते हैं। हैंड सैनिटाइजर जरूरी होना चाहिए। पूल पर जाना एक बहुत सीरियस इवेंट है, तुम्हें ध्यान देना होगा और पानी की क्वालिटी को भी चेक करना होगा। स्विमिंग कैंसिल करते हैं। क्या हमें कुर्सी पर बैठना चाहिए? लेकिन हमें पहले कुछ नमूने लेने होंगे। मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है। ओ नहीं, उसने छींक दिया, हम पर अटैक हुआ है, भागो। यहाँ तो बहुत ही अलग हालात हैं। सामान चुराने वाला एक कपल, खास बात यह है कि यहाँ लेने के लिए क्या क्या है। ओ, हमें लोशन और जेल के सभी नमूने लेने होंगे। जल्दी करो, शर्मीली मत बनो। उन्होंने सब कुछ ले लिया जो कुछ भी चारों तरफ पड़ा था। इन कपड़ों और टॉवल के बारे में क्या ख्याल है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें उन चीजों की जरूरत है या नहीं, खास बात उन्हें कुछ न कुछ मिलना चाहिए। एक रेस्टोरेंट की ट्रिप भी चोरों के इस कपल के लिए एक शिकार में बदल जाती है। यहाँ तक कि टूथपिक भी उनकी शिकार बन रही है। और यहाँ वेट्रेस आ गई, गलत टाइमिंग है। तुम्हारी मैनर्स को क्या हुआ है? आखिरकार वो चली गई, हम जारी रख सकते हैं। तुमने ड्रिंक खत्म कर लिया, मुझे गिलास दो, ये घर पर काम आ जाएगा। गम, चलो चीजों को बर्बाद नहीं करते हैं, वो चीजें ले लो जिससे हम पकड़े ना जा सके। आह, क्यों रुकना, हम सब कुछ ले जा रहे हैं। हाँ, गिटार भी। और यहाँ एक और टिपिकल कपल है जो हमेशा लड़ता रहता है। वो सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना, चीख पुकार, उंगली उठाना, बिना किसी वजह के लड़ाई उनका पसंदीदा शौक है। इस रिश्ते में चीजें हमेशा सुपर टेंशन में होती हैं। मुझे हैरानी है कि वो अभी भी एक साथ कैसे हैं। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मैं इसे और नहीं सह सकती हूँ, और मैं तुमसे और तुम्हारे तानों से थक गया हूँ। वैसे ये फिर से शुरू हो गए, एक सही बातचीत होगी या एक समझौता होगा, उन्होंने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा। जोर से चिल्लाना, बस ऐसा ही होता है। इतना सारा ड्रामा और अब वो हाथापाई पे आ गए। ये बुरा लग रहा है। This is Sparta! और ये तुम्हारा ठंडा होने का टाइम है। ये दोनों हर जगह एक शो करने आते हैं, वो लड़ते रहते हैं चाहे कुछ भी हो। और अब चलो खतरों से प्यार करने वाले कपल से मिले। रिस्क, खतरा, एड्रेनालाइन, यही वो चाहते हैं। ये एड्रेनालाइन जंग की बीच पर आराम से नहीं लेटते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा ही करना होता है। उनके लिए एक टूर चुनना भी आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। बस ये देखना होगा कि उनकी छुट्टियां जोश से भरी हों, या तुम एक अम्यूजमेंट पार्क में घूम सकते हो। इन दोनों के लिए ये स्वर्ग है। ये सब एड्रेनालाइन देखो, और इसी की हमारी कपल को जरूरत है। सबसे ऊपर उड़ना, बिल्कुल सही, यही सबसे अच्छा है। और अब बम्पर कार रेसिंग, मजेदार टाइम बिताने का एक शानदार तरीका है। मिनी नेस्कार, ये सोचना भी डरावना है कि ये स्ट्रीट रेसर असली सड़क पर क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या? स्काई डाइविंग जरूर। ये एक अच्छी बात है कि हमारे साथ एक ट्रेनर है, ये इतना भी डरावना नहीं है। हालांकि डर इन दोनों के लिए एक सबसे अच्छा एहसास है। एक, दो, तीन, चलो चले। वाह, ये सांस रोक देने वाला है, कितनी एक्साइटिंग छुट्टियां हैं। और ऐसा लगता है वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। क्या वो कभी मस्ती करते करते थक जाएंगे? ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये लंबे समय तक नहीं होगा। और वो नए कारनामों के लिए शिकार पर निकल चुके हैं। और यहाँ एक प्रैंक करने वाला एक कपल है, वो खुद को और दूसरों को प्रैंक करना पसंद करते हैं। वेट्रेस को प्रैंक करने के बारे में क्या ख्याल है? माफ करना, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? उफ, चलो भी, तुम्हें ध्यान देना चाहिए।
और बोनस है ड्रिंक से टॉपिंग करना। ये स्विमिंग पूल, चलो कूदते हैं। 1 2 3 ये तुम बेवकूफ बन गए, ये सही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? लंबे टाइम के लिए नहीं, इतने डरपोक लगता है कि कोई तुम्हें घूर रहा है। हॉट टब इफेक्ट को शुरू करने का समय आ गया है। इयू, वो यहाँ पानी में ही कर रही है। खास बात है कि फ्रैंक को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, आखिरकार ये उनके रिश्ते पर बेस करता है। हमारी अगली जोड़ी स्लीपिंग ब्यूटीज की जोड़ी है। बस उन्हें एक पिलो दो, वो एकदम ही सो जाएंगे। बीच पर सोना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। कम से कम वो अच्छी नींद तो ले सकते हैं। ये स्लीपिंग हेड्स कहीं भी सो जाने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि एक रेस्टोरेंट में भी। पिलो की जगह सलाद, ये एक सही सॉल्यूशन है। जागने का कितना अच्छा तरीका है। मेयोनीज़ उनके गाल पर, लेकिन पूल के बीच में सोना तो हद ही है। इसके रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। ठंडा पानी सच में तुम्हें जगाता है। और ये रहा दूसरा, चलते हुए सपना देख रहा है। वुप्स, लेकिन पानी भी एक अच्छी नींद को बर्बाद नहीं कर सकता। वो पूरे दिन क्यों सोते हैं? क्योंकि वो पूरी रात भर नहीं सोते हैं। पार्टीज, बार, बीच क्लब, वो सुबह तक डांस करेंगे। ये लोग कितने सीरियस हैं? खैर बेशक, क्योंकि वो अमीर कपल है। सड़क पर चलना बिल्कुल नहीं। अगर वो टैक्सी बुला सकते हैं तो परेशान क्यों होना। और यहाँ हम आ गए हैं, कार से 300 फीट दूर, तो क्या? आइए देखें कि ये कपल रेस्टोरेंट में कैसे एक्ट करता है। वो बहुत घमंडी हो रहे हैं। ये 1% है। खैर, हमारा ऑर्डर आ गया है। हम पूरे 1 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमीर लोग वैसे भी ऐसी बेकार चीजें नहीं पिएंगे, लेकिन वो हमेशा बिल को कवर कर सकते हैं और सच में अच्छी टिप भी देंगे। ये दोनों कुछ भी खरीद सकते हैं। हनी, मुझे उसकी टी शर्ट चाहिए। बेशक। मिस, कीमत बताओ। अच्छा, तुम ये ले लो। पैसा हर काम करता है, चिंता मत करो, तुम इन पैसों से 100 टी शर्ट भी खरीद सकती हो। और ये तो उनके उल्टे हैं, कम खर्चा करने वाले हैं। वो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है। इन दोनों के पास हमेशा चेंज रहते हैं और वो हमेशा फालतू खर्चे से बचते हैं। एक चीज के पैसे दे रहे हो? क्यों, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस घर से एक कंबल ले आओ, सस्ता और अच्छा। आखिर में हम सभी एक ही सूरज के नीचे बैठेंगे। रिसोर्स में हर जगह इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। हम बीच पर हैं, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वो अपने फोन को 1 सेकंड के लिए नीचे नहीं रखते हैं। वो अपनी जिंदगी हमेशा फॉलोअर्स को दिखाते हुए बिताते हैं। देखो यहाँ कितना सुंदर है। मुझे हैरानी है कि अगर उनके पास अपने गैजेट्स के अलावा और कुछ देखने का टाइम है, वो अपने फोन स्क्रीन से नेचर की तारीफ करते हैं। ओ, एक वीडियो कॉल। जो कुछ भी आज किया वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो एक ही सोफे पर नहीं बैठे? ऐसा लगता है कि वो भूल गए कि आमने सामने बात कैसे करते हैं। और ये एक टैन लड़की और उसका पेल दोस्त है। सिर्फ 2 तरह के लोग हैं। जो लोग शेड में लेटते हैं वो खुद को कवर करते हैं ताकि वो जल ना जाए। उन्हें कंबल की जरूरत होती है। ऐसे लोग भी हैं जो सूरज से डरते ही नहीं हैं। वो खुद को तेल से कवर करते हैं और धूप सेकना शुरू करते हैं। वो बहुत अलग हैं, लेकिन एक साथ बहुत खुश हैं। और अब इन ब्लैंक चेहरों को देखो, एक पोकर फेस, ये उनमें कॉमन है। जो भी हो, उनका चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक है। ऐसा लगता है कि उनमें कोई इमोशंस ही नहीं है, रोबोट्स की तरह। पूल में पानी सच में ठंडा है।
लेकिन इन दोनों के लिए ये फेस खोने की कोई वजह नहीं है। वो बहुत मिस्टीरियस है। उस सेल्फ कंट्रोल को देखो। मुझे हैरानी है कि क्या वो कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अम्यूजमेंट पार्क की राइड भी उनमें कोई इमोशन पैदा नहीं करती है। अभी भी उनके चेहरे पर वही दिखता है। दूसरे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? ये बोरिंग है। क्या आपको छुट्टी पर कपल के बारे में हमारी वीडियो पसंद आई? इनमें से किसे आप जानते थे? इन्फ्लुएंसर्स, अमीर बच्चे या शायद वो लोग जो हमेशा सोते रहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप ट्रुम ट्रुम पर अलग अलग तरह के लोगों के बारे में नए स्केचेस मिस ना करें।